गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड विद अवर एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल में हमने शुरू किया था माउथ से, देन ओरल कैविटी एंड ओरल कैविटी में हमने स्टडी करा था कि तीन पार्ट्स होते हैं, दैट इज फर्स्ट इज टीथ, सेकंड टंग एंड देन पैलेट, जिसमें से हमने टीथ के स्ट्रक्चर को और उसके फंक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूथ को कल अच्छी तरह से स्टडी कर लिया था। नाउ टुडे वी विल गोइंग टू कंटिन्यू विद अवर टंग। Now this is just the basic structure of tongue. If we look at the dorsal surface of our tongue, at the back side of tongue, there is a sulcus present, which we call as sulcus terminalis. Sulcus terminalis. Sulcus terminalis, because it is present at the terminal end. Then our tongue is divided into two parts, that is anterior two-third and posterior one-third. Seventh cranial nerve, that is facial nerves. Seventh facial nerves. Which is mixed in nature. Its function is to carry sensations from the anterior two-third part of our tongue. Mixed nerve carry sensations from anterior two-third of tongue. Then ninth cranial nerve, that is glossopharyngeal. That is glossopharyngeal. Its function is to carry sensations from the posterior one-third part of our tongue. Carry sensations from the posterior one-third part of our tongue. अगर हम देखें जो अपना posterior का part है, end में जो अपनी tongue है, it articulates with the bone. The speciality of bone is that it is non-articulatory in nature. Means, जिस बोन से जाके जुड़ती है लास्ट में पोस्टीरियर पार्ट पे, वो बोन बॉडी में किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट ही नहीं करती, दैट इज हायोइड बोन. टंग अटैचेस हेयर पोस्टीरियरली. पीछे की तरफ जो टंग को अटैचमेंट के लिए साइड प्रेजेंट होती है वो हायोइड बोन. इट इज ए नॉन आर्टिकुलेटरी बोन. मींस ये बोन बॉडी किसी और बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं करती है. देन अगर हम देखें अपनी, दिस इज सपोज दिस इज अवर टंग, साइड वे से देख रहे हैं साइड से, एंड टंग के नीचे यहाँ पे एक स्किन ऑफ फोल्ड प्रेजेंट होता है. दिस स्किन ऑफ फोल्ड अटैचेस द टंग टू द फ्लोर बक्कल कैविटी. And we call this skin fold as lingual frenulum. जब हम छोटे क्लासेस में थे, टंग को देख के यूजुअली हमारे दिमाग में क्या आता था कि जो टंग होती है उसके डायरेक्टली सरफेस के ऊपर जो टेस्ट बर्ड्स है वो प्रेजेंट होती हैं, पर ऐसा नहीं होता है. जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं वो टंग के ऊपर प्रेजेंट कुछ ओपनिंग्स होती हैं, उन ओपनिंग्स के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं. And we call these openings as papillae. There are different types of papillae. If you look at the anterior tip and sideways of tongue, here we found certain openings or pores
to which we call as fungiform papillae. Fungiform papillae. Fungi simply here means fungus. Fungus we call see mushroom. And forms here means shape. Means the fungiform papillae are of mushroom shape. And these are moderate in size. ना तो ये ज़्यादा छोटे होते हैं, ना ये ज़्यादा बड़े होते हैं. And then here comes the next one. These are filiform papillae. Filiform papillae. जो फिलीफॉर्म पेपिली होते हैं साइज में काफी छोटे होते हैं एंड प्रेजेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ टंग और नंबर में भी सबसे ज्यादा यही होते हैं. बीइंग मैक्सिमम इन नंबर दीज आर डिवॉइड ऑफ टेस्ट बड्स. भले ही ये सबसे ज्यादा नंबर में है पर इनमें कोई भी टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होती है, बल्कि इनमें टेस्ट बड्स के अलावा कुछ और प्रेजेंट होता है, दैट इज टच रिसेप्टर्स. इनमें कुछ टच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. देन लास्ट इफ यू लुक एट अलोंग द सर्फेस ऑफ सल्कस टर्मिनालिस देर आर सर्टेन ओपनिंग्स या पोर्स प्रेजेंट टू विच वी कॉल्ड एज सर्कमवैलेट पैपिले. Circumvallate papillae. These are largest in size, least in number. That is only 8 to 10 are present along the sulcus terminalis. And each of the papillae contain near about 100 to 150 taste buds. Largest in size and least in number each papilla contain 100 to 150 taste buds. एक और तरह के papilla present होते हैं कुछ ruminants में. These are circumvallate papillae, पर ये humans में absent होते हैं, not found. सिर्फ information के लिए आप नाम लिख सकते हो इनका. These are foliate papillae. Then एक चीज और आती है, कई बार क्या होता है जो अपनी टंग है उसमें किसी तरह की swelling आ जाती है या फिर अल्सरेशन हो जाती है, यानी कि जीभ के छाले, उसके लिए कॉमन टर्म यूज होती है, दैट इज ग्लोसाइटिस. Glossitis is usually observed due to deficiency of folic acid. That is vitamin B9. Folic acid की deficiency की वजह से, that is vitamin B9. Tongue में स्वेलिंग या फिर अल्सरेशन ऑब्जर्व की जाती है जिसमें उसकी कलरेशन वगैरह चेंज हो जाती है, टंग थोड़ी सी सूज जाती है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट बड्स. सिंपली अगर बोले तो जो अपनी टेस्ट बड है या फिर टेस्ट पोर है, इट इज सिंपली अ क्लस्टर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल. इज अ क्लस्टर ऑफ स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स. Find
epithelial cells. Then these are our sensory neurons. एंड ये कुछ अपने इनके साइड्स में सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं. सपोर्टिंग सेल्स एंड दीज आर नर्व फाइबर्स. एंड सपोज दिस इज अवर सरफेस ऑफ टंग. सरफेस ऑफ टंग, ये अपना टंग का सरफेस है जिसपे एक पोर या फिर एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसमें की सब्सटेंस आएगा और फिर सेंसेशन जनरेट होंगी, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी जिससे हमें टेस्ट की फीलिंग आएगी. सिंपली फॉर द जनरेशन ऑफ टेस्ट द सब्सटेंस नीड टू बी प्रेजेंट इन डिसॉल्व्ड स्टेट फॉर एन टेस्ट टू बी परसीव the substance should be present in dissolved state. फूड के टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो हम चीज खा रहे हैं वो सब्सटेंस किसी चीज में डिजोल्व हो, और जो डिसोल्यूशन का काम करता है वो अपना सलाइवा करता है. जैसे ही कुछ डिसोल्व होने के बाद टंग के ऊपर आता है वो इस पोर के अंदर एंटर करेगा. एंड दीज आर सेंसरी हेयर्स. सेंसरी हेयर्स, इन सेंसरी हेयर से टच करेगा या फिर इनके कॉन्टेक्ट में आएगा, देन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सेंसरी सेल्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, ड्यू टू विच there certain chemical activities will take place due to which we can perceive the taste of the food material. And there is also one thing, that is sensation of taste is a reality due to sense of smell. सिंपल इसे पढ़ने से आप समझ ही गए होंगे. सेंसेशन ऑफ टेस्ट इज अ रियलिटी ड्यू टू सेंस ऑफ स्मेल. मतलब जो अपनी सूंघने की शक्ति है और उसका जो कनेक्शन है वो टेस्ट के साथ है. यूजुअली आपने नोटिस करा होगा जब आपको कोल्ड हो जाता है तो क्या होता है, आपका नाक बंद हो जाता है जिसकी वजह से आप कुछ भी खाते हो आपको फूड टेस्टलेस लगता है. तो नाउ यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. जो ये टेस्ट बर्ड्स हैं वो ह्यूमंस में तो सिर्फ टंग पे प्रेजेंट होती है, बट अगर हम बात करें लोअर ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि फिश, तो जो टेस्ट बर्ड्स हैं उनमें टंग के साथ साथ उनके फेरिंग्स में भी प्रेजेंट होती है और ऑन द स्किन ऑफ देयर हेड आल्सो. इन कैटफिश द टेस्ट बर्ड्स आर फाउंड अबंडेंटली ऑन देयर विस्कर्स. विद दिस टेस्ट बर्ड वी हैव कंप्लीटेड विद आवर टंग. नाउ वी विल मूव टू पैलेट. The palate is divided into two parts. Our palate is divided into two parts, that is anterior hard palate and posterior soft palate. Let's consider this is simply a structure of palate. This is anterior and this is posterior. This is our hard palate the posterior is called as soft palate. Our hard palate contains some certain ridges and
ग्रोस कॉल्ड एज पैलेटाइन होगी, पैलेटाइन होगी। अगर हम अपने पैलेट को और टंग को साइडवेज से देखें तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज अवर टंग एंड दिस इज अवर पैलेट। जो ये ट्रांसवर्स पार्ट है, दिस ट्रांसवर्स पार्ट, दिस इज अवर हार्ड पैलेट एंड दिस इंक्लाइंड पार्ट, दिस इज अवर इंक्लाइंड पार्ट इज सॉफ्ट पैलेट। तो जो अपना सपोज दिस इज अवर टंग एंड दिस इज अवर पैलेट, जो ये ट्रांसवर्स वाला पार्ट है दिस इज अवर हार्ड पैलेट एंड दिस ग्रूव पार्ट या फिर इंक्लाइन पार्ट इज अवर सॉफ्ट पैलेट। तो इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है, जो टंग है और हार्ड पैलेट है दे आर कलेक्टिवली हेल्पिंग ईच अदर इन मिक्सिंग द फूड विद सलाइवा। टंग और हार्ड पैलेट सलाइवा के साथ फूड को मिक्सिंग में हेल्प करते हैं, और जब ये अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाता है देन जो टंग है वो फूड को कुछ इस तरह से धकेलने की कोशिश करेगी, दिस इज अवर टंग एंड दिस इज अवर फूड, दिस इज अवर फूड, तो इसको धकेलने की कोशिश करेगी। तो उस टाइम पे जो इंक्लाइंड वाला पार्ट दैट इज अवर सॉफ्ट पैलेट हेल्प करेगा इस फूड को नीचे जाने में, ईसोफेगस की तरफ धकेलने में। सो दिस इज जस्ट अबाउट अवर पैलेट, नाउ वी आर गोइंग टू कंटिन्यूएशन विद फैरिंक्स। ये अपनी एक कॉमन सी माउथ की अरेंजमेंट दिखाने की कोशिश की है मैंने, हंसने की कोई जरूरत नहीं है, सिली सा लग रहा है। तो जो ये अपने सपोज दीज आर अवर, ये दोनों दीज आर अवर इंटरनल नोस्ट्रिल्स एंड दिस इज अवर माउथ पार्ट दैट इज ओरल कैविटी वाला पार्ट एंड दिस इज अवर फेरिंग्स एंड दिस इज अवर ईसोफेगस। तो इफ इट इज इफ दिस पार्ट इज अवर इंटरनल नोस्ट्रिल्स देन दिस पार्ट इज मेसोफेरिंक्स एंड जो ये ओरल कैविटी वाला पार्ट है माउथ वाले रीजन में, सो दिस इज अवर ओरोफेरिंक्स। And again, suppose this is our pharynx, then this part will be our laryngopharynx. Pharynx. जो अपना pharynx होता है, suppose ये अपना pharynx एक pipe-like structure है. The opening opening of pharynx is called as glottis and इस pharynx की opening के ऊपर एक flap like structure present होता है इस तरह से कुछ, this covering of pharynx is epiglottis. Epi simply means above glottis, that is above the glottis. And the opening of जो ये इसकी esophagus की opening इसको बोलते हैं gullet. So these are the basic things about the pharynx. तो सबसे पहले अपना जो food enter करेगा वो mouth के through buccal cavity में आएगा. Buccal cavity में उससे जो भी processing होनी वो शुरू होगी. Then it will enter into the common passage that is pharynx. Pharynx में से वो किस में जाएगा? ईसोफेगस में जाएगा। सो टुडे वी आर एंडेड अप विद फैरिंग्स एंड फ्रॉम टुमारो वी विल कंटिन्यू विद ईसोफेगस दैट इज फूड पाइप। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग मी केयरफुली।